नवी मुंबई नेटवर्क। आगामी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर नवी मुंबई की मतदार सूची में चल रहे गैर कारभार के मामले का ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने पर्दाफाश किया है। गणेश नाइक ने 19 नवंबर को चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करवाते हुए ये आरोप लगाया है कि राज्य के सत्ताधारियों के इशारे पर विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदार सूची में भारी गड़बड़ी की जा रही है। नाम एक का और फोटो दूसरे की लगाई जा रही है। गणेश नाइक ने चुनाव आयोग से इस गंभीर मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कड़ी से कड़ी जांच की मांग की है। गणेश नाइक ने अपने पत्र के जरिए ये आरोप लगाया है कि मतदार सूची 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित होने वाली है और उसे तैयार करने के लिए ऐरोली और बेलापुर मतदार संघ में नए मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने, फोटो न होने वाले मतदाताओं के फोटो मंगवाने, पता बदलने जैसे कई काम जोरों पर चल रहे हैं, परंतु इसी का फायदा उठाकर राज्य के सत्ताधारियों के इशारे पर नवी मुंबई के शहरी गौठान और झोपड़पट्टी परिसर में बीएलओ स्तरीय चुनाव अधिकारी के जरिए बोगस नाम मतदार सूची में जबरन डलवाने का काम किया जा रहा है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के लोग बेहद सक्रिय हैं। गणेश नाइक का आरोप है कि नवी मुंबई में जबरन लोगों के नाम मतदार सूची से काटे जा रहे हैं, मृतक लोगों के नाम मतदार सूची में डाले जा रहे हैं। यही कारण है कि इस मुद्दे पर गणेश नाइक ने बेहद आक्रामक भूमिका अख्तियार कर नवी मुंबई में गणेश नाइक की सत्ता को उखाड़ फेंकने के चक्कर में नए नए पैंतरे आजमा रहे सत्ताधारियों के मंसूबों का पर्दाफाश कर इस मतदार सूची की प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। नवी मुंबई मतदार सूची में हो रही इस गड़बड़ी की शिकायत का पत्र ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने न केवल चुनाव आयोग बल्कि विधानसभा और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता, कोंकण विभागीय आयुक्त, थाने जिलाधिकारी, नवी मुंबई महानगर पालिका को भी सुपुर्द किया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या इस बेहद गंभीर शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower.